क्या हाल? लव यू। इस बात के लिए बधाई। हम लोग कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन उसमें कुछ संवैधानिक दिक्कतें थी। पूरे देश को इस बात की बधाई कि अब सचमुच संवैधानिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है। लेकिन यहाँ बैठे हुए लोगों केवल भारत माता की जय के नारा लगाना ही देशभक्ति नहीं है, इस देश को देश मानना। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप किसी चौराहे पर किसी जगह जाकर आप धरना प्रदर्शन करें। हमारी स्वयं की सामाजिक नेतृत्व की मान्यता ही धरनों से निकली है। क्या बात है? हम पहली बार अन्ना आंदोलन में ही जनता को इस तरह से दिखाई दिए थे। कवि गुरु पहले जानते थे, कोई कष्ट नहीं है, आप बिल्कुल करिए। जैसे तैसे आपने इस देश में संविधान की एक रेखा बनाई है, जैसे तैसे आपने ये सीमा रेखाएं बनाई है। पार्टियों से ऊपर उठकर, अपने नेताओं के चिंटू पने से ऊपर उठकर बोलना सीखिए और उसका जो दुष्परिणाम हो वो झेलिए। ये कार्यक्रम अटल जी को समर्पित है। हम तो उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र रहना चाहिए। हम तो वहां से आए। आज अर्थ समिट में अगर कश्मीर की हमारी बेटियां सुन रही हो, मेरी बहनें सुन रही हो, मेरे भाई सुन रहे हो, मेरे बुजुर्ग सुन रहे हो, जहां ललदत और राबिया जैसी कवित्रियां हुई हैं, जहां आद्य शंकराचार्य ने मंदिर स्थापित किया, वो डल झील के किनारे सुन रहे हो, तो मैं कश्मीर के नाम एक गीत पढ़ रहा हूं। और कश्मीर क्या है मैं बता रहा हूं। ऋषि कश्यप की वो राजधानी जो पत्थरों से बनी हुई थी, और सुनते हैं कि महर्षि अगस्त ने अपने हाथों से तोड़कर रास्ता बनाया था। यहाँ धर्म जगत के विद्वान लोग बैठे हैं, विदुषी बैठी है, मैं आप सबको समर्पित करता हूँ। सुनिएगा, कश्मीर क्या है मेरे साथ दोहराइए, गुनगुनाइए, और कश्मीरियों तक ये गीत जरूर पहुंचाए चैनल, ऐसी मेरी गुजारिश है। सुनिएगा, ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, 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 ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार ललदत ने राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललदत ने राबिया ने भी गाया है तुझे। शिवरात्रि के दिन एक पंक्ति पढ़ रहा हूँ, आपके कलेजे में विस्फोट ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना अगली पंक्ति पर। कभी ललदत ने राबिया ने भी गाया है तुझे, कभी ललदत ने राबिया ने भी गाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया 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 है तुझे। तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल बादल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, तेरी सरगोशी पे कुर्बान मेरा पूरा वतन, तेरी सरगोशी पे कुर्बान मेरा पूरा वतन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन, 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 मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यारे चमन। ये जो कुछ भी संगीत वाले कर रहे हैं, अगर ये चैनल के थ्रू जाए तो कश्मीरियों को लगे कि हिंदुस्तान का हर बच्चा उनसे वही मोहब्बत करता है जो तालियों में। आइए सिखाते हैं एक बार साथ। ऋषि कश्यप की तपस्या ने, एक दो तीन, ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि कश्यप की तपस्या ने तपाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, ऋषि अगस्त ने हमवार बनाया है तुझे, कभी
अंगद में राविया ने भी गाया है तुझे, कभी अंगद ने राविया ने भी गाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे, बाबा बर्फानी ने दरबार बनाया है तुझे, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल पागल, तेरी झीलों की मोहब्बत में है पागल पागल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, माँ के माथे पे चमकते हुए पावन आंचल, तेरी सरगोशी पे, तेरी सरगोशी पे, तेरी सरगोशी पे कुर्बान तेरा पूरा बदन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार, बोलिए मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार चमन, मेरे कश्मीर से हमारा रिश्ता गया, रिश्ता बता रहा हूँ, तेरे गुलमर्ग पे सरताज ताज हार गया, तेरे गुलमर्ग पे सरताज ताज हार गया, हम सबने पढ़ा कि जहांगीर ने कहा कि अगर फिरदौस पर हुए जमीनस्त हमीनस्त तो हमीनस्त तो हमीनस्त, तेरे गुलमर्ग पे सरताज ताज हार गया, तेरे गुलमर्ग पे सरताज ताज हार गया, तू जन्नत के जहांगीर भी दिल हार गया, जहांगीर भी दिल हार गया, उसे मिलने जो गया, उसे मिलने जो गया वो तेरा हो कर लौटा, उसे मिलने जो गया वो तेरा हो कर लौटा। लोग कहते हैं कश्मीर से दिल्ली का क्या रिश्ता, मैं कश्मीर से कलकत्ता का रिश्ता निकाल रहा हूँ। आप सबके बचपन की सुनी हुई एक कहानी, जिन्होंने पढ़ी हो याद आ जाए तो बताएं, निवेदन करता हूँ, तुझसे मिलने जो गया, एक दो तीन, तुझसे मिलने जो गया वो तेरा हो कर लौटा, तुझसे मिलने जो गया वो तेरा हो कर लौटा, काबुली वाला तेरी गलियों से हो कर लौटा, सूफियों ने तुझे पैगाम हक सुनाया था, सूफियों ने तुझे पैगाम हक सुनाया था, शंकराचार्य ने मंदिर वही बनाया था, शंकराचार्य ने मंदिर वही बनाया था, अगले शिकवे करें, अगले शिकवे करें, अगले शिकवे करें, अगले शिकवे करें, दोनों मिलके आज दफन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार कमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार कमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार कमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार कमन। हमारे यहाँ हिंदुओं में धारणा है, मैं सनातनी संस्कार का व्यक्ति हूँ, भारतीय हूँ, पहले भारतीय हूँ बाद में सनातनी, हमारे यहाँ धारणा है एक कसम खाओ तो सात जन्म निभानी पड़ती है। कश्मीर की मेरी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, हमारी भाभियाँ, हमारे बुजुर्ग सुन रहे हों तो इस अर्थ समिट के मंच पर हिंदुस्तान का एक कवि एक शायर सात नहीं चार कसम खाकर 28 जन्मों की गारंटी दे रहा है कि कोई किसी को अलग नहीं कर सकता हमसे, तब कह रहा हूँ, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार चमन, हाथ सबके खुले होने चाहिए, कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार चमन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्यार चमन, मेरी कसम तेरे बेटों के। संस्कृत पढ़ने वाले लोग जानते हैं कि संस्कृत के सारे महान आचार्य कश्मीर में पैदा हुए, आचार्य कल्याण, आज जितने भी बड़े आचार्य हैं वो सब वहीं पैदा हुए, संस्कृत का व्याकरण वहीं लिखा गया, तेरे बेटों के संस्कृत के व्याकरण की कसम, तेरे बेटों के संस्कृत के व्याकरण की कसम, कुमानी से
सेब जैसे मीठे आचरण की कसम, खुबानी सेब जैसे मीठे आचरण की कसम, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम। अगली कसम थोड़ी लहरती हुई है, आप भी वैसी गा देना। तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरी पर्वत से उतरती हुई नदियों की कसम, तेरी पर्वत से उतरती हुई नदियों की कसम, तेरे बेटों के संस्कृत के व्याकरण की कसम, तेरे बेटों के संस्कृत के व्याकरण की कसम, खुबानी सेब जैसे मीठे आचरण की कसम, खुबानी सेब जैसे मीठे आचरण की कसम, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरे पर्वत से उतरती हुई नदियों की कसम, तेरे पर्वत से उतरती हुई नदियों की कसम। दर्शक में टेलीविजन देखा आपको याद आएगी एक लाइन, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, तेरी कुर्बानी में डूबी हुई सदियों की कसम, पर्वत से उतरती हुई नदियों की कसम, तेरी पर्वत से उतरती हुई नदियों की कसम, गुल के गुल काम के गुलशन के चनारों की कसम, गुल के गुल काम के गुलशन के चनारों, तेरी डल झील के उन सारे शिकारों की कसम, तेरी डल झील के उन सारे शिकारों की कसम, तुझको सीने से लगाने के हैं ये सारे जतन, मेरे कश्मीर प्यारे जतन, चमकते हुए पावन आंचल, तेरी सरगोश पे कुर्बान तेरा पूरा वतन, मेरे कश्मीर मेरी जान मेरे प्राण।